जैसे मैं तेरे को फिर तो मामी ने टीका कर दिया था तो चली जाए कर देता हूँ 5000 हम लोग को करूँगा बाबू बाय 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 चले लेट्स गो गो बाय बाय टेंशन में हो गए दोनों बाय ये भी नर्वस हो गया ये चलो मामा मम्मी बाय बाय गाइस बारिश होने लग गया इस वजह से थोड़ा रुक गए हैं और जोर जोर से आने लग गया बारिश बहुत जोरदार बारिश होने लगा मैं तो भीग गया पूरा गाँव तुम भी भीग गए हो तो दोस्तों बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है जब थोड़ा आगे निकल रहे हैं तब बारिश होने लग रहा है बारिश अभी भी हो रहा है अभी भी बारिश है 1 घंटा हो गया हम लोग को तो बाबू को भूख लग गया था बारिश हो रहा था थोड़ा रुके हैं बिस्किट का आ रहा है और चटाका पटाका बोलता है खाऊंगा उसके लिए थोड़ा गाड़ी रोक दिया बारिश हो रहा था तो रुमाल बांध दिया बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा अभी थोड़ी बारिश रुकी है तो हम लोग निकल चुके हैं फोन बजाओ मम्मी को बुलाओ फोन बजाओ हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका नए वीडियो नए व्लॉग में तो दोस्तों आज रविवार का दिन 17 सितंबर विश्वकर्मा पूजा है आज विश्वकर्मा भगवान की जय और आज के दिन मैं पहुंच गया हूं गोरखपुर 15 तारीख का मेरा टिकट था और 17 तारीख के मॉर्निंग में मैं आ गया गोरखपुर और इस समय फ़िलहाल मैं अपने संतोष मामा के घर पे हूं मामा मामी के घर पे हूं गोरखपुर और आज मैं निकलने वाला हूं बाइक से मेरा मुंबई का बाइक है मैं आया तो ट्रेन से हो लेकिन बाइक मेरा यहीं पे था तो नगीना भाई साहब लेके आ गए थे गोरखपुर मैं बाइक से ड्राइविंग करके जाने वाला हूँ मेरे ससुराल और मेरा बाबू बेटा भी रेडी हो गया है हम दोनों तैयार हो गए हैं मॉर्निंग में ही खाना पीना खा के मस्त रेडी हो गए हैं और बस हम लोग अब निकलने ही वाले हैं तो अब ये वीडियो रहेगा जाने का ससुराल तक पहुँचने का वीडियो और मेरी वाइफ को मालूम नहीं है कि मैं अपने बेटे को लेके आ गया हूँ मुंबई मतलब यहाँ पहुँच गया हूँ गोरखपुर उसको एक सरप्राइज़ देना है कि मैं उसको बोल रहा था कि बाबू नहीं आने वाला है बाबू भी मना करता था मैं नहीं आऊँगा और फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं गोरखपुर और मैं हम लोग निकल रहे हैं और देखते हैं सरप्राइज़ ब्लॉग रहेगा ये ससुराल पहुँचने का और वहाँ का रिएक्शन देखेंगे सबका हम लोग अचानक से आ गए तो भी ये वीडियो बने रहे आप लोग और नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अब हम लोग निकलने ही वाले हैं खाना पीना हो गया है 12:30 बज रहे हैं आफ्टरनून के निकल रहे हैं अब हम लोग यहाँ से 2-3 घंटे का ट्रैवल है फिर पहुँचते हैं तब तक बने रहे आप लोग ब्लॉग में तैयार हो गए चलें तैयार हो गए सामान ले लो बाय कर दो भाई को बाय करो बोल दो बाय बाद में आऊँगा मैं हाँ चलो बच्चे लोग अंदर आओ आ जाओ अंदर आ जाओ चलो आओ बाय करो दोनों भाई लोग को बाय करो बाय और पास में जाके गले मिल लो गले मिल के बाय करो मैं वीडियो बना दूँ आप लोग का अच्छे से हाँ देखो देखो कैसे किया हाँ वैसे आप भी करो बाय कर दो बाबा को भी कर दो बाय पप्पी दे दो जाओ पप्पी दे दो बोल दो मैं जा रहा हूँ जा रहे हो कब आओगे बताओ कब आओगे ना आना बाबू बोल दो पापा के साथ आऊँगा छोटे बाबू के साथ आना हाँ दादी को भी पप्पी दे दो छोटे बाबू को लेकर जाओ बाय कर दो छोटे बाबू को लेकर आओगे ना मम्मी चले चले बाबू चले बच्चे लोग बाहर ही हैं ये रही बाइक दो बैग है एक बैग बांध देता हूँ इस पे पीछे मुंबई की बाइक है यही लेके चलेंगे चलो एक सामान बांध दिए हेलमेट हो गया
और ये बैक पीठ पे फाइन लेंगे। जैसे मैं तेरे को फिर बोल रहा था, मामी ने टीका कर दिया था, मैं खाली जाकर देता हूं। 5000 हमने कोड किया तो खुद का भी धंधा कर रहा है, तो जो कोड होता है उसके नीचे कोई चीज नहीं है। दोनों बाबू परेशान कर रहे हैं जाने के लिए, अभी कैसे अनिल लेकर जाएगा तीन तीन लोगों को। बाबू बाय 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 सेंसिटिव है, टेंशन में हो गए दोनों, ये भी नर्वस हो गया। चलो मामा मम्मी बाय बाय। बाबू चले चले, चलो भाई मामा के घर से निकल चुका हूँ। धंधा नगर सनातन धर्म मंदिर 1 बजे से जर्नी स्टार्ट है और ढाला पे नंदा नगर के जाम लगा है। रनिंग जर्नी स्टार्ट है, देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। रेलवे डाला क्रॉस करके नंदा नगर रोड पे गोरखपुर वाले मेन हाईवे पे हैं और यहाँ से 2 रास्ता है, एक ये सिटी रास्ता है जाने के लिए और एक ये ग्रामीण रास्ता है एयरपोर्ट की तरफ से। तो ये रास्ते से हम लोग चलेंगे, थोड़ा ग्रामीण रहेगा, खुला रोड रहेगा, ये रास्ते चलेंगे। दोस्तों ये एयरपोर्ट और ये रोड के रास्ते से अब हम लोग चल रहे हैं। एरोप्लेन दिखा, उसमें जंगल होते हुए अंदर है बुढ़िया माता होते हुए, बुढ़िया माता का मंदिर है यहाँ पर, यही गेट है बुढ़िया माता का। बाबू जय माता दी बोलो, जय माता दी, यही बुढ़िया माता का मंदिर है, यही गेट है। यहीं से हम लोग तो आगे से जा रहे हैं, पेट्रोल भरा लिए पेट्रोल टंकी। अभी हम लोग पेट्रोल भरा के निकल चुके हैं पिपराइच वाले रोड पे, यहाँ पर यहाँ पर नगर निगम है पिपराइच बच्चा, देखते हैं बारिश मिलता है या नहीं। बाबू बारिश होने लगा, तो गाइस बारिश होने लग गया इस वजह से थोड़ा रुक गए हैं, भीग जाएंगे, पीछे सामान भी बांधे हैं। बाबू हम लोग भीग जाएंगे, बाबू का बाल उड़ गया था, ऊपर चला गया, देख रहे हो एक सामान नीचे एक बैग पहनो। बाबू आगे बारिश होने लग गया इस वजह से रुके हैं, एक स्मॉल हेलमेट नहीं था नहीं तो बाबू को ही पहना देता। बाबू बारिश रुकेगा तब चलते हैं, सामान भी है ना भीग जाएगा, हम लोग भी भीग जाएंगे, सर्दी हो जाएगा, अब थोड़ा सा बारिश कम होएगा फिर निकलेंगे हम लोग। अच्छी अच्छी सब लोग इधर उधर भाग रहे हैं बारिश से बच रहे हैं, कोई पेड़ के पास तो कोई इधर घर के पास। देखो भी बाइक वाला रुक गया, हम लोग भी इधर पेड़ के नीचे रुके हैं। और जोर जोर से आने लग गया बारिश, सब लोग इधर उधर भाग रहे। जोरदार बारिश होने लगा, हम लोग आ गए पेड़ के पास से इधर, मैं तो भीग गया पूरा, बाबू तुम भी भीग गए, भीग गए। तो दोस्तों बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, जब थोड़ा आगे निकल रहे हैं तब बारिश होने लग रहा है, बारिश अभी भी हो रहा है, अभी भी बारिश है, 1 घंटा हो गया हम लोग को।
थोड़ा सा कम हो रहा है, फिर हम लोग निकल रहे हैं, फिर थोड़ा आगे जा रहे हैं, फिर जोरदार आ रहा है। बाबू भी भीग गया है, मैं भी भीग गया हूँ। मालूम रहता है बारिश होएगा तो बाइक से नहीं आते, बस से चले गए। लेकिन इतना दिन धूप ही था, बता रहे थे आज ही बारिश हुआ है, बादल भी गरज रहा है। देखते हैं मौसम खुलेगा तो चलेंगे, नहीं तो नहीं जाऊंगा, यहीं कहीं रुक जाऊंगा। देखते हैं मौसम के हिसाब से। 3:30 बजने वाले हैं, 1 घंटा हमारा टाइम पास हो गया। देखते हैं मौसम खुलेगा तो जाएंगे, नहीं तो यहीं रुक जाएंगे। बाबू चले कि रुके? हम लोग रुके नहीं, भीगे हो तुम? नहीं बाबू तो नहीं भीगा, चले कि रुके? चले। बाबू को मम्मी से मिलने का है, चले चले बोल रहा है। देखते हैं भगवान जी का क्या इरादा है, विश्वकर्मा पूजा भी है आज 17 सितंबर, भगवान की मर्जी। देखते हैं हम लोग पहुँच पाते हैं कि नहीं पहुँच पाते हैं। आज कल तीज है, उपवास भी है कल तीज का, देखते हैं क्या होता है। चश्मा लगा लो, बदमाश लड़का है, नहीं रुक रहा है। अभी रुकेंगे भगवान जी, अभी भी रुकेंगे, फिर हम लोग चलेंगे, चलें। जिंदगी इम्तिहान लेती है। तो बाबू को भूख लग गया था, बारिश हो रहा था, थोड़ा रुके हैं, बिस्किट खा रहा है और चटाका पटाका बोलता है खाऊंगा, उसके लिए थोड़ा गाड़ी रोक दिया। बारिश हो रहा था तो रुमाल बांध दिया, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। देख रहे हो बारिश, हर थोड़े देर पे बारिश। 1 बजे हम लोग घर से निकले थे, 4 बज गए। देख रहे हो कब पहुंचेंगे बाबू हम लोग, कब पहुंचेंगे? 4 बजे तक तो पहुंच जाते हैं हम लोग, लगेगा टाइम और क्या, रात होएगा, देखते हैं। ये थोड़ी बारिश रुकी है तो हम लोग निकल चुके हैं। हाँ 40 किलोमीटर और चलना है। फिलहाल रुक गए हैं हम लोग कुटी बारी, मिठाई ले रहे हैं, मिठाई पैक कराते हैं फिर चलते हैं। पापा हॉर्न बजाओ, मम्मी को बुलाओ, हॉर्न बजाओ। अच्छा दे रहा हूँ, चलो अंदर चलो, गाड़ी लेके चलो। मोबाइल भीग गया, पूरा धुंधला आ रहा है। तो दोस्तों फाइनली ससुराल पहुंच गए, बाबू चला गया अंदर, सब लोग मिल लिए, बारिश हो ही रहा है हल्का फुल्का, हल्के फुल्के बारिश में हम लोग पहुंच गए, चलते हैं अब अंदर। अंशुमन नमस्ते पापा जी, लड्डू कैसे हो? नमस्ते मम्मी जी। कहाँ बैठू, गीला हूँ मैं तो। बाबू मम्मी को जो कैसा लगा सरप्राइज? अच्छा लगा, कहाँ पता रखा सरप्राइज। क्या लाया बाबू लड्डू के लिए, क्या है ये?
क्या है? दे दो, बोलो लड्डू पहन के दिखाओ। अरे हीरो दिख रहा है। तुम अपना अपना चश्मा तुम पहनो, आप वाला कहाँ, आप तुम भी पहनो। हाँ दोनों जन खड़े हो जाओ एक पास, तो फोटो निकाल दूँ। हाँ दोनों पहनो। अरे वाह, हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ। हाँ गले में, हाँ हेलो करो, बोलो हेलो भाई। गले मिलो, आप गले मिलो, गले मिलो, ऐसे ऐसे हक करो, हक करो। हाँ शाबाश। और क्या लाए हो लड्डू के लिए, और क्या क्या लाए हो? कुछ नहीं लाए हो, बोल दो फिर जाओ, बाय कर दो। बाप क्या खा रहे हो? चाय पी रहे हो? चाय पाओ, खा लो। मेरे लिए मीठा पानी। तो दोस्तों फाइनली ससुराल पहुंच गए, चाय नाश्ता भी हो गया। अब जा रहे हैं, कपड़ा उपड़ा चेंज करते हैं, खाना पीना खाते हैं, आराम करते हैं। और 6 बज गया मुझे यहाँ आते आते, 1 बजे हम लोग गोरखपुर से निकले थे। और आशा को मेरी बीवी को मालूम नहीं था, उसको सरप्राइज कैसा लगा? सरप्राइज अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। सुबह में मेरे को फ़ोन की थी, पूछ रही थी कहाँ है, तो बोला मार्केट में हो। बाबू घर पे है। बाबू कैसा लगा सरप्राइज? मम्मी से पूछो, मम्मी को सरप्राइज दिए ना तू? गंदा लगा। मम्मी को सरप्राइज दिए ना? मैं तो बोला था मम्मी को बाबू नहीं आने वाला है, सरप्राइज दे दिए। तो दोस्तों फाइनली अब ये वीडियो, ये व्लॉग यहीं ख़त्म करेंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। और अगला व्लॉग कल रहेगा, कल उपवास है तीज का। कल तीज मनाएंगे और कल नेक्स्ट व्लॉग देखना आप लोग तीज का। इस साल तो ये नहीं रखेगी, बाबू है इसके लिए। बाबू कैसा है? ठीक है, अच्छा है। तो मैं उपवास रखूँगा, पिछले साल भी रखा था मैं, हम दोनों लोग साथ में रखे थे। इस साल मैं ही रहूँगा, ये नहीं रखेगी। तो कल व्लॉग देखना आप लोग तीज का। अब ये व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। और नया वीडियो, नए चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलूँगा नए वीडियो नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बाय बाय कर दो बाबू, बाय बाय करो, बाय बाय बाय।